अस्सलाम वालेकुम। और गाइस कैसे हैं आप लोग? वीवर कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिट फाट हैं, जबरदस्त। आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा और आप लोग बार बार चैनल पे आते रहे चेक करने के लिए कि हमारा सेकंड लेक्चर आया या नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, सॉरी यार संडे था तो कल थोड़ा सा मैं बिजी भी था, और वैसे भी मतलब यानी कि बस मतलब यानी कि और वैसे मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, तो कोई इशू वाली बात नहीं। आज स्टार्ट करते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप को यूज कैसे करते हैं। आज मैं ना फोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट तीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। जिसको ये वाला कंसेप्ट आ गया यकीन माने फोटोशॉप उसको 70% आ गया, और जिसको ये कंसेप्ट नहीं आया उसको फोटोशॉप में बस ऐसे हो गया जैसे अंधेरे कमरे में ना लोग हाथ मारते हैं बिल्ली को पकड़ने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो सेम वे में लेकिन कोशिश करनी है आपने बार बार रोक रोक के इन वीडियो को देखना है और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। कंसेप्ट का नाम है लेयर्स। लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऊपर वाला बटन, लेयर हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट तीन कंसेप्ट है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बॉक्सेस बना के दिखाए थे, ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस, ये देखें। लेट से मैंने यू ऐसे बना लिया, लेट से मैंने ये वाला बॉक्स ये बना दिया, लेट से मैंने यू बना दिया, ये बना दिया, लेट से भाई ये तीनों चीजें काफी हैं। अब देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड, समझाने के लिए आपको लेयर्स। इसका कलर मैं यहाँ से आता हूँ सॉरी, और यहाँ से मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गया। और इसका कलर मैं कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, यहाँ पे आया और इसको मैंने ग्रीन कर दिया। और अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ऊपर घास आए, घास को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर घास आए, घास के बाद, घास के बाद ये वाला डिजाइन आए और सबसे नीचे ये वाला डिजाइन आए। मैं ऐसा करना चाहता हूं। देखिए मैं इसको घास को मतलब ब्लैक कलर के घास को मैं इस बॉक्स पे लेके जाता हूँ, ये नीचे चला जाता है। मैं कहता हूं नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये घास इसके ऊपर आ जाए, तो इसमें हमारे पास सेंड टू फॉरवर्ड सेंड टू बैक की कोई ऑप्शन नहीं होती। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमें यहाँ पे लेयर के स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ता है। देखें एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं अपने इस साइड पे देखें, हमारे पास ऑटोमेटिक क्या बनना शुरू हो जाती है, लेयर। लेकिन जब मैंने ये देखें यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, थ्री लेयर, ये थ्री लेयर्स बनी है और ये भी लेयर बनी है, दैट्स कॉल्ड अ बैकग्राउंड लेयर। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जब मैंने ये घास बनाया तो ये एक लेयर बन गई, इन अदर वर्ड शेप। ये दूसरा बनाया तो ये लेयर बन गई, ये बनाया ये थर्ड लेयर बन गई। थ्री ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, थ्री लेयर्स बन गई। अब देखें फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लेयर कौन सी हाईलाइट की हुई है, कौन सी सिलेक्ट की हुई है, ये वाली मतलब यानी कि रेड कलर की। तो ये देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ हर जगह पे, मैं चाहता हूँ ये एक लम्हे के लिए डिसपेयर हो जाए, गायब हो जाए। तो मैं यहाँ पे आई बनी हुई, आई क्लोज कर दी, ये गायब हो गया। डिजाइन में मौजूद नहीं है लेकिन जो मेरी फोटोशॉप की फाइल है उसमें ये मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मतलब यानी कि ये जो अब मैं ग्रीन को मूव करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रीन लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ये देखें ग्रीन लेयर्स को। अब देखें ग्रीन लेयर को मैंने छोटा बड़ा करना है, फिर वही कंट्रोल टी। रीसाइजिंग के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है, दैट्स कॉल्ड अ कंट्रोल टी। ये देखें मैंने इसे बड़ा कर दिया, मैं इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया। अगर आप लोग यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे इसके एंगल चेंज हो रहा है, इसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं मर्ज से। अब देखिए इसको मैंने ओके कर दिया, जब रीसाइज कर लेते हैं इसको ऐसे क्लिक करते हैं। अगर मैं इस घास को मतलब इस ब्लैक कलर के ग्रास को चेंज करना चाह रहा हूँ, मूव करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें मैं चाहता हूँ रेड वापस आ जाए, मुझे रेड वाली आई को लेयर की आई को क्लिक करेंगे फिर वापस आ जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ रेड मेरा यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए, ऐसे नहीं होगा, मुझे दोबारा इस लेयर्स को जाके सिलेक्ट करना होगा। बात भी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझा देता हूँ। देखें शुरू से ही आप अपनी हैबिट्स बनाएं, जब भी कोई लेयर बनाए तो लेयर का नाम रखें। मैं कहता हूँ यार ये लेयर मेरी सर्कल लेयर हो गई, ताकि हमें याद रहेगा। लोगो लेयर बना लें, जो भी लेयर बना लें, ये मैं कहता हूँ ये हमारी ये जो दूसरी लेयर है इसका नाम मैं रख देता हूँ याद रखने के लिए, ग्रीन लेयर हो गई, जस्ट कुछ भी नाम। इसी तरह इस लेयर का नाम रख देता हूँ। ये देखें लेयर्स के ऊपर आके ना जब हम तेजी से डबल क्लिक करते हैं ना तो ये एडिटिंग का ऑप्शन ऑन हो जाता है, तो हम इसको ग्राफ कह देते हैं याद रखने के लिए। देखें आप इजीली, अब आपने जब भी काम करना है आपको एक लम्हे में पता चल जाएगा यार आपने ग्रास पे काम करना है, ग्रास वाली लेयर। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो मैंने आपको बात बताई थी वैसे चाहते हैं। सबसे पहले हम रेड सर्कल लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा सर्कल बिल्कुल बैकग्राउंड हो, हम सर्कल को मूव किया यहाँ। अब हम इसके ऊपर ये लाना चाह रहे हैं। अब देखें ये नीचे वाली ग्रीन शीट ऊपर आएगी ना, तो सर्कल को हमने इससे खींच के नीचे कर, जैसे नीचे किया जो ग्रीन शीट थी वो ऊपर आ गई। अब मैंने ग्रीन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ले आया, जहां भी रखना चाह रहा हूँ, जो भी एंगल करना चाह रहा हूँ, छोटा करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल भी। ये देखें ये सर्कल हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कोई एंगल, इसको सीधा करना चाह रहे हैं, वो कर लिया, जो भी है ये अब आपके पास ऑप्शन है। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ग्रास आ जाए वापस, आप ग्रास वापस लाना चाह रहे हैं, आप बेसिकली आप क्या करेंगे फिर ग्रास वाली लेयर को क्लिक करेंगे। जैसे ग्रास वाली लेयर को क्लिक किया ग्रास गायब हो गया, ग्रास गायब नहीं हुआ, देखा जाए तो सबसे बड़ी लेयर, देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3 पर्सन स्टैंडिंग में है, एक सबसे लंबा है, एक मीडियम साइज का, एक स्मॉल साइज का आदमी है। अगर हम सबसे लंबे आदमी को टॉल हाइटेड को हम फ्रंट पे ठहरा देंगे, मीडियम वाले को उसके पीछे और स्मॉल वाले को उसके पीछे, तो ये वाला हाल होगा जैसे अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। देखें ये सबसे बड़ा है, ये अभी मेरे सामने होगा, तो बाकी इसके नीचे जो छोटी चीजें वो नजर नहीं आएंगी। हमें क्या चाहिए कि जो सबसे बड़ी हाइट वाला है उसको सबसे एंड पे ले जाए, और जिसकी हाइट सबसे कम है उसे हम सबसे आगे ले। देखें जैसे मैं सबसे आगे उसको ले आया हूँ वो चीज नजर आना शुरू होगी। इसको मैं और ज्यादा एडजस्ट करता हूँ, ये देखें न्यू मैंने एडजस्ट कर लिया और इसको मैंने ऐसे ओके किया। अब देखें हमारे पास ये तीनों चीजें नजर आना शुरू हो गई, और ये तीनों चीजें किसकी वजह से नजर आ रही हैं, हमारे पास ये तीनों चीजें लेयर्स की अरेंजमेंट की वजह से। आप कहते हैं कि सर मैं हम ये चाहते हैं कि इसका ये जो बैकग्राउंड है ना जहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, इसका भी कलर चेंज हो जाए, यहाँ भी कोई स्टाइलिश सा शेप आ जाए, या हम कोई हमारे पास पड़ी हुई है शेप्स। पहले तो हम यही चाहते हैं, हम सिंपल वर्डिंग में हमारे पास एक बकेट टूल होता है जिसमें हम कलर भरते हैं। मैं ना ऐसे करता हूँ तेजी से, कोई ऐसे ग्रेडियंट रंगीन सा उठा लेता हूँ ऐसे, ओके करके, ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारा बैकग्राउंड है, प्रॉपर मैं आपको बैकग्राउंड रेडी करना सिखाऊंगा, ये जस्ट वैसे एग्जांपल दे रहा था। अब देखें अब हमने क्या काम किया, 1 2 3 4 4 लेयर्स पे काम किया। अगर मैं इसको बैकग्राउंड को बंद करूंगा ये कलर गायब, अगर मैं सर्कल को बंद करूंगा सर्कल गायब, मैं इसको ग्रीन को ऑफ, ग्रास को, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रास और बैकग्राउंड चाहता हूँ इन दोनों को ऑन करेंगे ये डिजाइन, अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार ग्रीन और बैकग्राउंड आए तो ये जिसको हम लाना चाह रहे हैं पिक्चर में उसको ऑन कर दें, जो भी हम मूवमेंट करना चाह रहे हैं। अगर अलहदा अलहदा पोजिशन पे है तो फिर तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता, जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तो फिर हमें उनकी पोजिशन सेट करनी पड़ती है लेयर्स। अब मैं ना कोई पिक्चर ले आता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, हमने अपने इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं कंट्रोल ओ इंपोर्ट करने के लिए। लेट से मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले आता हूँ, देखिए ये पिक्चर आ गई। देखिए अब मैं इस पिक्चर को मूव करना चाहता हूँ, मूव टूल तो लास्ट टाइम समझाया था ना, वो नहीं होने देता, वो कहता भाई आपकी लेयर लॉक्ड है। अब आपको समझ आई होगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना जान के इस बात के ऊपर जोर दिया था
बिल्कुल हल्का सा बात कह के खत्म कर दी थी, जब हमारी लेयर लॉक होती है तो हमारा मूव टूल काम नहीं करता। तो अब इस लॉक को कैसे ओपन करना है, इसके ऊपर तेजी से जाके डबल क्लिक करना है, अनलॉक हो जाएगा। इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, लेके आने के बाद ना मैं यहाँ पे आके छोड़ दूंगा। देखिए जैसे मैंने इसको लीव किया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये यहाँ पे लेयर आ गई। अगर ये लेयर यहाँ पे आ जाती ना तो ये चीजें गायब हो जाती, तो हम कहते हैं यार ये तो गायब हो गई। ये गायब नहीं, लेयर को फिर हमने उस पोजीशन पे लेके आना। अगर फॉर एग्जांपल ये लेयर हमारे पास बैकग्राउंड के भी नीचे आ जाती, अज्यूम करें यहाँ पे आ जाती, हम कहते हैं हम सर यहाँ से ड्रैग तो करके आ रहे हैं, सर एशियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हम यहाँ से यहाँ पे ड्रैग तो करके आ रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई देखें लेयर साफ सी बात है, वही बात, जब बड़ी चीज आगे आ जाए छोटी चीज नजर नहीं आती। तो अब देखिए मैं ऐसे करता हूँ, इसको आई क्लोज करता हूँ, देखिए पीछे मौजूद है। अब मैं वापस लेके आना चाह रहा हूँ, मैं इस लेयर्स को पकड़ के सबसे नीचे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स मूव हुई नजर आ रही है ना। अब मैंने जिसको मैं अभी इनमें से एक को ऑफ कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे को ऑन करके इसको बिग साइज का करना चाह रहे, रीसाइज, वही कंट्रोल टी का बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको रीसाइज करके बिल्कुल एक्यूरेट उसी साइज पे आप लेके आ जाए। ये जो हिस्सा आपके ये जो पॉइंट्स बाहर नजर आ रहे हैं, ये डिजाइनिंग में जब हम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो उसको ये फिर नजर नहीं आएंगे, तो हमने इसके अंदर जो डिजाइन बनाएंगे वही डिजाइन हमें मिलेगा। ठीक हो गया, इसको मैंने अप्लाई किया, ये ओके हो गया। अब आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन चीजें हैं ना सर, मैं इनको ओहो ये इसको भी ऑन कर, आप कहते हैं सर मैं जैसे खींचूं तीनों इकट्ठे मूव हो। अब ये देखें अगर इन तीनों को आपने अगर यहाँ पे लेके आना है तो पहले एक को उठा के लेके आएंगे, फिर दूसरे को सेलेक्ट करेंगे लेके आएंगे, फिर इधर आए थर्ड को लेके आएंगे, आपकी मेहनत काफी बढ़ गई। हम कहते हैं कि एक ही दफा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन क्लिक करेंगे और वो लेयर जिनको हम जोड़ना चाह रहे हैं हम उनके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखें ये चेन का सिंबल नजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं लिंक लेयर्स। और देखिए जब मैं ऐसे करूंगा इन लेयर्स के ऊपर इफेक्ट देखिएगा, ये देखें इन तीनों पे चेन बन गई है। अब ये मैंने इधर आया, अब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, ये देखें ये तीनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। मैं कंट्रोल टी करूंगा, ये तीनों रिसाइज होंगे। ठीक है, बात मेरी गेट कर रही नहीं कर रही? तो सिंपल वर्डिंग में हमने आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि लेयर्स कैसे मूव होती हैं, रीसाइज कैसे होती हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, उनकी फिटिंग वगैरह कैसे होती है, ये सारी चीजें आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही लर्न करेंगे। अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी यकीन माने मैं जितने अच्छे अच्छे आइडियाज भी बता दूंगा ना आपके लिए वो कर। ठीक हो गया, बाकी कोशिश किया करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने फ्रेंड्स तक भी, उन लोगों तक जो अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते उन तक शेयर किया करें, वो भी देख के मतलब यानी कि उनके हाथ में ग्राफिक डिजाइनिंग का फन आ जाए और फिर वो क्या वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाए। ठीक हो गया, तो थैंक यू और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और कमेंट जरूर लिखेगा आज की वीडियो के बारे में, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और मैं व्हाट्सएप नंबर फिर आज दोबारा शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई पर्सनल मतलब यानी कि क्वेश्चन पूछना चाहे मतलब इनबॉक्स में आके मतलब व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8 6 7। और बाकी है कि बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वन टू वन स्पेशल क्लास लेना चाह रहे हैं, एक बंदा वो कहता है सर मैं वेट नहीं कर सकता, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पूरी पूरी 1 वीक में करा दें, तो वो लोग भी मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, रब्ता करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो बाकी है कि हो सकता है मतलब वन टू वन के अंदर वो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो फिर हम उसको ट्रेनिंग में ही कंडक्ट करेंगे, तो उस तरीके से मूव करेंगे। बाकी ये कि बाकी आज से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ठीक है, बाकी हमारा पेज भी ज्वाइन कर लें facebook.com/dnetrider, उस पर डिफरेंट कलर स्कीम और टेक्निक्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक हो गया, ओके फिर।
ओके और कोई क्वेश्चन देख लें ठीक है. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके बाय.